सुपरस्टार सलमान खान अपने जिंदगी में फिलहाल अपनी पर्सनल लाइफ को खासकर एंजॉय करने की वजह से कई खबरों में बने हुए हैं। यहाँ पर सलमान खान की पर्सनल लाइफ की तो हम बात कर रहे हैं, साथ ही में उनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में अगर बात की जाए तो प्रोफेशनल लाइफ में भी फिलहाल सलमान बहुत रिलैक्स्ड मूड में हैं। राधे फिल्म की शूटिंग की फिर शुरुआत वो करने वाले हैं और जो शूटिंग वो बीच में रोक चुके थे न्यू ईयर और क्रिसमस और बर्थडे सेलिब्रेशन के बीच अपने घर पर आई नन्ही भांजी के जन्म के बाद, और वही सलमान दोबारा से नजर आएंगे अब आप सभी को आने वाली फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त होते हुए। इसमें कोई शक नहीं है कि लास्ट ईयर सोनाक्षी सिन्हा उनकी ऑन स्क्रीन लेडी लव की फिल्म खानदानी शफा खाना बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी थी। वही कारण है कि सलमान ने सोनाक्षी के साथ अपनी दबंग 3 को प्रमोट करते हुए दबंग 3 को सुपर डुपर हिट बनाने की कोशिश में डबल प्रमोशन के लिए वक्त निकाला था। हर एक प्लेटफॉर्म में उन्हें इस फिल्म को प्रमोट करते हुए देखा गया ताकि सोनाक्षी ब्लॉकबस्टर फिल्म की हीरोइन फिर बने, जिनकी करियर में काफी समय से बड़ी फिल्म में फ्लॉप देखने को मिली थी। कलंक भी साल रिलीज हुई सोनाक्षी की ऐसी फिल्म थी जो कि बॉक्स ऑफिस पर पिट गई थी। ऐसे में सोनाक्षी के लिए सलमान खान ही बड़ी खुशखबरी लेकर आए, दबंग 3 की कामयाबी का वो तोहफा जिसके कारण पूनम सिन्हा सोनाक्षी की मॉम भी सलमान को गले लगाकर खूब प्यार लुटाते हुए उनके बर्थडे पर स्पेशली उनके साथ वक्त गुजारते नजर आई थी, और ये वायरल तस्वीरें उसी लम्हे की है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की।